और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपको देखते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आता है. ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं गाइज. इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है हमेशा की तरह. जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ देर के लिए मेडिटेट करें इन कार्ड्स पर, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है. अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चिट बना सकते हैं. एक में लिखिए 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करो और एक चिट उठा लो आँख बंद करके, और जो आपके हाथ में आता है वही पाइल आपका है, वही कार्ड आपका है. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. कार्ड्स को आप देख सकते हैं, पास से मैं दिखा देती हूँ. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस. ओके, मैं दिखा देती हूँ, ये रहे आपके कार्ड्स. देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपका है. सो यहाँ पर मैं कार्ड्स रीड करूँगी और इनिशियल्स भी देखूँगी और भी कुछ है वो भी देखेंगे हम आगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग. ऑल द बेस्ट. हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं. क्या आपके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, लेट्स सी. ओके, सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो. आप बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हो. काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो आप. फाइट करना जानते हैं, एक फाइटर हैं, डिसीजन लेना जानते हैं, स्ट्रांग हैं आप. एंड आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको सीधी बात करनी पसंद है. मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी को, और जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनको निकाल कर बाहर कर देते हो, चलो जाओ. ठीक है, सो अब अगर आप ऐसी एनर्जी में हो, इस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक उन्होंने भी अभी तक अपनी दिल की बात आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि ऐसे एनर्जी का बंदा या बंदी अगर सामने हो तो हिम्मत नहीं होती है. ठीक है, तो वो आपसे डरते होंगे, ये मैं कह सकती हूँ पूरी गारंटी के साथ में. आपको बहाने बनाना पसंद नहीं, झूठ बोलना पसंद नहीं, और आप ईमानदार हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है. बट आपकी स्माइल बहुत पसंद है उनको. ओके, द एम्प्रेस. तो एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है, और आपको पता है कि लाइफ में कब क्या डिसीजन लिया जाए, किसकी कैसे केयर की जाए. बच्चे आपको बहुत पसंद होंगे, और मदर लाइक हो आप. यानी कि कोई भी अगर आपसे कनेक्ट होता है तो उसको यही लगेगा कि आपने उनकी माँ की जगह ले ली है. हो सकता है इनको भी ऐसा लगता हो, जैसे आप कभी इनको डांट देते हो किसी बात पर, या फिर आपका नेचर ऐसा है, मतलब आपको देखकर ना इनको ऐसे फील होता है जैसे ये अपनी माँ को देखकर फील करते हैं कि अगर मैं कोई गलती करूँगा या करूँगी तो इनसे मुझे डांट पड़ेगी. और वो डांट सही है, वो डांट अच्छी लगती है, ऐसी नहीं कि बुरी है. ठीक है, तो वैसा ही कुछ है. इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आपको दुनियादारी का बहुत पता है, इनको इतना नहीं पता है. ठीक है, सो आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेते हो, घर का भी बाहर का भी. और हो सकता है आप कोई टीचर हो या हीलर हो, तो बच्चों से कनेक्ट रहते हो, तो आप बच्चों के साथ में डील कर लेते हो, उनको प्यार करते हैं, उनको मना लेते हैं. बच्चों को कभी कभी हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको बड़े अच्छे से आता है. एंड आप ना ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होगा. जो कपड़े आप डालते हैं, जो मेकअप आप करते हैं, वो कुछ अलग ही तरीके का इनको लगता है. इनको लगता है कि ये जैसे आपको आपने सीखा नहीं, आपको पहले से ही आता है. जैसे हो नहीं जाता कि हमारी फैमिली में ही सब लोग ऐसे थे, तो वहीं से आपने सीखा ये. ठीक है, एक अलग ही लुक आपका इनको लगता है देखकर कि ये रॉयल है. ओके, ये मैं कहूँगी. ठीक है, ऐसा देखकर आपको लगता है इनको. 10 ऑफ कप्स. तो इनको लगता है कि आप बिल्कुल भी टाइम पास मटेरियल नहीं हो, आप मैरिज मटेरियल हो, और आपको ऐसे लोग, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स पहले ही आ गया था, आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो टाइम पास करने में बिलीव करते हैं. आप सीधा अगर किसी को पसंद करोगे तो शादी का ही बोलोगे, और शादी अगर नहीं होती है उस वक्त आप उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, फिर कोई भी मतलब नहीं. ऐसा नहीं कि
पहले हम फीलिंग्स रखते हैं और सोचते रहते हैं, ड्रीम देखते रहते हैं कि भाई इसके साथ में शादी करनी है, आगे बढ़ना है, फैमिली बनानी है, और फिर हो गया कि नहीं हो सकता तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप नहीं रहते, आप कहते हो नहीं, अगर वो नहीं तो ये नहीं। क्योंकि एक बार ही अगर हमने किसी को प्यार किया, किसी को अपना समझा और उससे वो चीज़ हमें नहीं मिली, जैसे आप किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो उससे नहीं मिली, और फिर आप सोचो कि फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, तो वो चीज़ आपको मंजूर नहीं है। और ये चीज़ मैं सच बताऊं तो इनको पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये सच में बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ अंदर ही अंदर कहीं रह जाती है। आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में रहो, बाद में फिर उसके साथ में रिलेशनशिप खत्म करके किसी और के साथ चले जाओ, और पहले वाले बंदे के साथ में फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंड्स रहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन रह जाती है, एक दरार सी रह जाती है। तो ये देखते हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो टाइम पास करने वाले, और इसलिए भी इनको आपसे डर लगता होगा। ये आपके साथ में फ्लर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं है। आपका ये है कि जो भी है सॉलिड होना चाहिए, कमिटमेंट ही दो, अगर पसंद करते हो तो कमिटमेंट दो, शादी करते हैं, दैट्स इट। और काफ़ी ऐसे हो कि घर वालों का बहुत ख्याल रखते हो, ठीक है, घर को प्रायोरिटी देते हो, घर वालों को प्रायोरिटी देते हो देन किसी और चीज़ को। और देखते हैं थ्री ऑफ कप्स, फ्रेंड्स काफ़ी सारे होंगे आपके और काफ़ी फ्रेंडली नेचर है आपका, आपसे कोई भी बात करे ना तो उसको बड़ा सुकून सा मिलता है, कंफर्टेबल वो रहता है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और आपके क्लाइंट्स अगर आपके पास आते हैं, आपके कस्टमर अगर आपके पास आते हैं, तो उनसे भी आप इतने प्यार से बोलते हो, बात करते हो कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो, एक फ्रेंडशिप बनी रहे, आपसे कनेक्शन कोई ख़त्म नहीं करना चाहता है। और इनको भी वही लगता है, आपको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ में फ़न करना बहुत पसंद है, और ये चीज़ इनको भी पसंद है। ये देखते हैं कि आप लोगों से पहले फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाते हो, बाद में कोई और ये फ्रेंडशिप का रिश्ता ये नहीं कि फ्रेंड्स के साथ में बोल रही हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है उनके साथ। तो आपके हिसाब से जो सबसे प्यारा रिश्ता है वो है फ्रेंडशिप का, तो सबसे पहले आप उसको ही रख हो देन कुछ और, ठीक है। ये चीज इनको बहुत पसंद है आप में। क्वीन ऑफ कप्स फिर से वही एनर्जी है कि काफी नर्चरिंग नेचर है आपका, काइंड है आप, और सबको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, एंड आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, सेल्फ लव आपको आता है, आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, और आपको ये भी पता है कि कहां पर आपको नर्म होना है, कहां पर आपको सख्त होना है, जहां पर आपको नम्रता दिखानी है वहां नम्रता दिखाएंगे, और जहां पर स्ट्रिक्ट होना है वहां पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि ये जो बाउंड्री है वो कहां पर कैसे रखनी है, किसको अपनी लाइफ में लेकर आना है, किसको नहीं। जैसे किसी के साथ, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने गए, ठीक है, कहीं पार्टी में गए, तो आपको पता है कि फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में भाई खाना पीना मस्ती करना ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो चीज़ें आप बिल्कुल रोक देते हो कि नहीं, इतना था तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो और आपके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा ड्रिंकिंग विंकिंग कुछ बढ़िया से करते हैं, तो आपने नहीं, ये नहीं, ये मेरे उसूल नहीं है, मुझे उस तरीके से नहीं करना है सारी चीज़ें, कि आप मुझे अल्कोहल दो या कुछ भी दो, वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप ना बोल देते हो। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप है तो उनके कहने से कुछ भी करने लग गए, ठीक है, उसूल हैं आपके, उसूल के पक्के हो, ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड बताता है कि इनको लगता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो, आपका कभी मन नहीं भरता कुछ भी सीखने से, कुछ भी करने से, आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना है, इसीलिए आप मल्टीटास्किंग हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आती होंगी, जैसे घर के काम भी, बाहर के काम भी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आता होगा। उसके बाद भी अगर आपसे ये बात करें तो आप यही कहोगे, अभी मैंने लाइफ में सीखा ही क्या है, कहाँ है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। तो ये चीज़ इनको काफ़ी पसंद है आप में कि आप काफ़ी एम्बिशियस हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बताता है कि आप हमेशा ही लाइफ में बैलेंस बनाकर रखते हैं, तो इनको लगता है कि आप हमेशा बैलेंस बनाते हैं अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, और मेंटेन कर भी लेते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलता है। कहा ही मैंने काफी इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, टैलेंटेड हो, तो आपको करना आता है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि फन लविंग हो, सबको हंसाते रहना, खुश रखना, चाहे आपका दिल कितना ही दुखा हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, लेकिन आप नहीं दिखाते हो दूसरों को, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने अपने दुख और तकलीफ दिखाए तो सामने वाला भाई सैड हो जाएगा, तो ये आपकी आदत इनको बहुत पसंद है। फोर ऑफ कप्स, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हो,
मैंने कहा ही उसूलों के पक्के हो, और ये चीज़ भी इनको बहुत पसंद है कि ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपको पता है कि आपको अपनी अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और आप उतनी ही चीज़ें अपनी लाइफ में रखते हो, उतने ही लोगों को अपनी लाइफ में रखते हो। आपको कोई लालच नहीं दे सकता कि भाई बेटा ये ले लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है और ये कर लो। नहीं, आपका ये है कि मेरे उसूल हैं, मैं मेरे उसूलों की सुनूंगी करूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे कुछ भी दे दो, कितना भी लालच दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको अगर आप नाराज़ हो जाते हो तो कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल है, इनको लगता है। 7 of Cups ड्रीम्स काफ़ी हैं आपके, डे ड्रीमिंग करते रहते हो, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अबंडेंट हैं आप। इनको लगता है कि काफ़ी कुछ है आपके पास, पैसा है, प्यार है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। और अगर उतना नहीं है तो आप कर लोगे, ठीक है, सक्षम हो, इनको ये लगता है। 6 of Cups फिर से वही कार्ड आ गया जो कि बताता है कि काफ़ी नर्चरिंग हैं आप और सबको प्यार करते हैं। शायद बच्चों से बहुत लगाव है आपको, या फिर ऐसा है कि आप सभी को अपने बच्चे के जैसे डील करते हो, जैसे कुछ ऐसे नेम आप दे देते हो। मैं भी बोलती हूँ ना स्वीटी, बाबू, ये सब कुछ, तो हो सकता है इस तरीके से आप भी लोगों को बुलाते हो, तो वो चीज़ इनको बड़ी प्यारी लगती है और इनको लगता है कि ऐसा ही कोई लाइफ में होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई अपनी लाइफ में आ जाता है तो ज़िंदगी बन जाती है भाई, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस साथ चाहिए। एंड इनको एक सोलमेट कनेक्शन भी लगता है आपके साथ। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। 7 of Swords तो ये कार्ड बताता है कि आप थोड़ा कम बात करते हो, ठीक है, दो टूक बात करी, अगर काम की बात है तो करी, काम की बात नहीं है तो छोड़ दी, ये चीज़ इनको लगती है। एंड कुछ थोड़े से आप स्नीकी लगते हो इनको, आई डोंट नो क्यों, बट इनको फील होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप छिपाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप खुलकर बात नहीं करते, अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते, आपको लगता है कि जिसको मुझे बताना चाहिए मैं उसको बताऊंगी, सबको क्यों बताऊं, तो वो चीज़ इनको लगती है थोड़ा कि पता नहीं क्या आप छिपा कर रखते हैं मन में, क्योंकि यहाँ पर 4 of Pentacles भी है। तो यस, थोड़ा सा चुप चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो ये चीज़ इनको लगती है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा इनको ये भी लगता है कि फ़न लविंग है, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं, सेविंग्स आप रखते हैं बट फ़न भी करते हैं। 5 of Cups ये कार्ड बताता है कि इनको लगता है कि आप जितने काबिल हो, टैलेंटेड हो, खूबसूरत हो, उतना आप खुद को समझते नहीं हो। हो सकता है ये कभी आपकी तारीफ़ करते हो और आप कहते हो कि नहीं नहीं ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, तो वो चीज़ इनको लगती है कि हाँ, ये चीज़ इनको लगती है कि नहीं होनी चाहिए आप में। ओके, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो। 8 of Cups का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप, और आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं जो कि टॉक्सिक हों, जो आपको डीमोटिवेट करें, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आप में। ओके, आप पीपल प्लीजिंग नहीं हो। एंड देखो, कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप हो, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ कार्ड्स का ऐसा बना है कि हो सकता है आपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किए हों सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। बिल्कुल अलग अलग दोनों दो बातें हैं, बट मुझे लगी तो मैंने बोल दिया। 8 of Wands तो आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, और बात बड़े प्यार से करते हैं, मीठी आवाज़ होगी, मिठास होगी आपकी बातों में, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। साथ ही साथ इनको लगता है कि आप दूसरों को बहुत मोटिवेट करते हो, जो चीज़ें आपको जीवन में नहीं मिली आप दूसरों को हमेशा ही मोटिवेट करते हो वो पाने के लिए, और हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो रिस्क टेकर हो, रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं रहते, लेकिन हाँ, जो भी करते हो समझदारी से करते हो। अब मैं एक कार्ड और निकालूंगी एंड यहाँ पर, ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, आ गया है तो मैं देख लेती हूँ, हालांकि मैं देखने वाली नहीं थी। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, ये देखते हैं बाद में। ये कार्ड्स के साथ मैंने रखे हुए थे, एक कार्ड मैं निकालूंगी ओवरऑल एनर्जी के लिए। हेरोफेंट, तो इनको लगता है आप बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, एंड द लवर्स है, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, बट प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, और हो सकता है आप कृष्ण को बहुत मानते हो, हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल,
ओके, तो वो इनको पता है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है गुड न्यूज़, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस। यहाँ से कुछ और भी हम देखेंगे कि ये आपको लेकर क्या सोचते हैं। याद रहे गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। मुझे एक रीडिंग में पूछ रहे थे कि एक में आपने डिवाइन टाइमिंग यूनियन की दूसरी बताई और दूसरे में दूसरी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा कुछ नहीं। तो आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है, आपका जो यूनियन का टाइमिंग है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको फॉलो करें। और मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार आपको बोला है कि आप मैनिफेस्ट किया करो अपनी टाइमिंग को। जो टाइमिंग आपको चाहिए वो टाइमिंग आपने मैनिफेस्टेशन में जो अफर्मेशन लिखते हो उसमें लिखी, और उसी पर फोकस करना है, ठीक है? वरना ऐसा ही होगा, इन वक्त नहीं करोगे तो चेंज होगा, होता है, याद रहे, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड आपको मानते हैं, ये कहते हैं कि आप एक बेस्ट फ्रेंड हो इनके। एंड आई लव द वे यू स्माइल, तो इनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर है अबंडेंट, जो कि मैंने कहा ही था कि आप काफ़ी अबंडेंट इनको लगते हो। पीपल प्लीजिंग, सी मैंने कहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ 90% लोगों के लिए मुझे लगा कि नहीं है, और 10% लोगों के लिए मुझे लगा कि हैं। और देखो यहाँ पर आ गया कि आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। मेंटर, जो मैंने कहा कि अभी ज्ञानी हैं आप, इनको लगता है कि आप काफ़ी ज्ञानी हैं। नेचुरल ब्यूटी, तो ये आपको नेचुरल ब्यूटी मानते हैं, ठीक है? तो इनिशियल्स देख लेते हैं क्या आते हैं यहाँ पर, आपके होंगे, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स होंगे। एंड यहाँ पर है JMTLUK H, ओके, 2 ES W YI 01, ओके, ये इनिशियल्स हैं गाइज आपके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आप उनको कैसे लगते हो, लेट्स सी। सो शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, हालांकि कर रखे हैं बट फिर भी कर लेती हूँ आपके सामने, आपकी तसल्ली के लिए। एंड गाइस, आस्क सुरभि करके मैंने वीडियो डाला है, वो देखिएगा ज़रूर, और मैं हर दिन ही डालूंगी, कोशिश करूंगी, आप जो भी सवाल करेंगे वहां पर उनके जवाब मैं आपको दूंगी। सो यहां पर है 5 of Pentacles एंड 7 of Cups, तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं गाइस कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं और ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है? लोगों से ज़्यादा बात करना आपको पसंद नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि शायद आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो इन्होंने ही ऐसा किया हो। तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप अकेले हैं, उदास रहते हैं, आपको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, और आप थोड़ा रियलिटी में कम जीते हो, इमेजिनेशंस में जीते हो, ड्रीम्स करते रहते हो, ये चीज़ें इनको लगती हैं आपको लेकर सबसे पहली बात। और हो सकता है कभी आपसे बात होती हो तो ये आपसे कहते हो सपनों में जीना बंद करो, ये रियलिटी है, रियलिटी को देखो, फेस करो, और इस तरीके से जिंदगी नहीं चलती, हो सकता है, ठीक है? 6 of Cups का कार्ड ये बताता है कि हाँ, आप अपने पास्ट में रहते हैं, जो भी पिछला आपके जीवन में हो चुका है, अच्छा बुरा जो भी है, उन चीज़ों में आप खोए रहते हैं, याद करते रहते हैं, उन लोगों को याद करते रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। आपकी एक आदत है कि जब आपकी लाइफ से कोई चला जाता है तब आपको महसूस होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उससे पहले आपको महसूस नहीं होता, ठीक है? अब आप कहोगे कि ये मेरे पार्टनर के जैसे लग रहा है, उनकी एनर्जी हो, लेकिन नहीं, ये आपके लिए ही वो सोचते हैं, हो सकता है बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन है, ठीक है? आप पास्ट की हो सकता है बातें करते रहते हो कि भाई आप पास्ट में जब आप पहले मिले थे तो आप ऐसे करते थे, अब आप वैसे नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको लगता है। सी हैंगमैन, मैंने कहा था ना, आप अटके हैं पास्ट में और पास्ट में ही अटके रहते हैं, ये चीज़ इनको लगती है आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद या आपसे बात करने के बाद। गाइस, मैं एक बात कहूँ आपसे कि देखो ये अच्छी बात है, लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकल आओ अगर है तो, ठीक है? आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। ओके, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों से बात करती हूँ तो मुझे उस तरीके से पता है।
ठीक है ना? तो आपके पार्टनर से बेहतर होगा कि आप पास्ट को लेकर जो भी पास्ट की बातें हैं उनको कम से कम डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये बंदा थोड़ा दूर भागेगा, ठीक है? मैं, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे भाई बहन हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि भाई मैं, मुझे चिंता होती है वरना मैं इतनी कोशिशें क्यों करूँ। देखो मैं वीडियो में इतना चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ, डांट लगाती हूँ कि आप लोग इन्हें वर्क करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ भाई आप लोग खुश रहें, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँगी, कमेंट्स आपके पढ़ूंगी तो मैं खुश रहूँगी कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, मुझे नींद अच्छी आएगी। तो बस वही है, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकल आओ, ठीक है? जो बीत गया वो बीत गया। एस किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं एस ऑफ सोर्ड्स कह रही थी, तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो इनके साथ में, एंड हो सकता है इनका कॉल आ जाए, क्योंकि मैंने एस ऑफ सोर्ड्स बोला। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बताता है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अपने उस साइड को छिपा कर रखते हैं और अपना कोल्ड साइड लोगों को दिखाते हैं। लोग अगर आपको देखते हैं तो उनको लगता है बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत एरोगेंट है, इस बंदे में या बंदी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन गलत पड़ जाता है लोगों पर, जबकि आप हो बिल्कुल उसके अपोजिट, ठीक है? सो ये चीज़ उनको लगती है। और देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ही, आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? ये चीज़ इनको लगती है, एंड हो सकता है ये आपसे ये कह देते हो कभी कभी, जो आपको बुरा भी लग जाता हो, कि तुम तो मूडी हो, ठीक है ना? ये इस तरीके की बातें, एंड इनको लगता है कि आप दूसरों को ऐसे शो करते हो कि आप सबसे बेहतर हो, जबकि आपको फील नहीं होता, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आपका जो बंदा है ना, काफ़ी इंट्यूटिव है, पता नहीं क्यों गाइस, लेकिन मुझे लगा ये है काफ़ी इंट्यूटिव। 10 ऑफ कप्स, ओके, तो शायद आपका ये ड्रीम है कि आपकी एक फैमिली हो और आपके बच्चे हों, आपका आपका ये सपना है और बहुत पहले से है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है, और वो जानते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, तो आप यही बताओगे कि आपको शादी करना है, आपको फैमिली बनाना है, एक ऐसी फैमिली चाहिए जिसमें प्यार ही प्यार हो, हस्बैंड वाइफ एंड छोटे छोटे 2 बच्चे, तो वो चीज़ इनको पता है। और इनको ये भी पता है कि आपको अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहिए, एंड बहुत ही ज़्यादा फैमिली का ख्याल आप रखते भी हैं, बट उससे ज़्यादा आपको आपका खुद का ये सपना है कि आपकी एक फैमिली बने। हो सकता है आप ये बात करते रहते हो कि मुझे बस एक फैमिली चाहिए, मुझे बस मेरा पार्टनर यानी कि आप चाहिए हो, और उसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बस यही मुझे चाहिए, तो वो चीज़ उनको पता है और ये सोचते रहते हैं। द डेविल, ओके, तो इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में, डार्क एनर्जी में आप रहते हैं, जो कि आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, और इनको ये भी लगता है कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आई थिंक आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, और हो सकता है आपने कभी इनसे डिस्कस किया हो, या फिर जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि काफ़ी इंट्यूटिव है, उनको इनको पता चल जाता है इस बारे में, ठीक है? किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है आपको, तो वो भी ये जानते हैं, और इनको लगता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड हाँ, आप थोड़ा एडिक्शन को लेकर है, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो इनको लगता है कि आप डिसीजन लेने में थोड़े से कच्चे हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों की बहुत सुनते हैं और सुनकर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। एक्चुअली आपको ये लगता है कि लाइफ को आप जिस तरीके से चाहते हो कि आप जिए, या जिस तरीके से वो चलनी चाहिए, वैसे नहीं चलती, और इस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, फ्रेंड्स आपके काफ़ी हैं, फ्रेंडशिप करना भी आपको पसंद है, हो सकता है आपको थोड़ा ड्रिंक वगैरह का कुछ हो, तो वो चीज़ ये देखते हैं। वैसे ये कार्ड देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि ये देखते हैं कि बाकी लोगों से आप ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन गिने चुने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके सामने ओपन होते हो, जब होते हो तो ढंग से होते हो, ठीक है? 9 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड बताता है कि कुछ शर्मीले से हैं आप, और हाँ, वही के सामने से आपको देखकर लगता है कि काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, एरोगेंट हैं आप, लेकिन दिल के ऐसे नहीं हैं। दिल में, अगर आपके दिल को देखा जाए तो आप काफ़ी सॉफ्ट हैं, काइंड हैं, और हमेशा ही लोगों की हेल्प करने का आपका बना रहता है कि
ये ड्रीम रहता है कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर लूँ, कितने लोगों को प्यार दे दूँ जिससे कि वो हील हो जाएं। द एम्प्रेस, यस। बट जो भी हो, मैं कार्ड देखकर ये तो देख पा रही हूँ कि आपका सबसे बड़ा सपना यही है कि आपकी शादी हो, आपकी फैमिली बने। बाद की जो भी चीज़ें हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर को आपके मैरिड लाइफ के बारे में पता है, हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो या हो चुका हो, जो भी है। तो आपके पास्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप उलझे हुए से रहते हैं, आपका सपना कुछ और ही था लेकिन हो कुछ और गया। द सन, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ उसको लेकर, आप चाहे इनके साथ में पास्ट रहा हो या फिर आपका कोई और पास्ट रहा हो, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। खुश रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। कमिटमेंट को लेकर थोड़े से आप परेशान रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कमिटमेंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। द स्टार, तो ये आपको एक हीलर मानते हैं, स्टार के जैसा देखते भी हैं। द लवर्स, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। पाइल वन भी ऐसा ही आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, वहाँ पर भी लवर्स था। और देख लेते हैं, मैं सिर्फ एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी नाउ, एंड फिर कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी देखेंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। डेथ, यस। आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है गाइस। ओके, जजमेंट है यहाँ पर, किसी तरीके के जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आपको काफ़ी सवाल रहते हैं कि ईश्वर की मतलब क्या नियम है ईश्वर के, जो लोग बुरा करते हैं उनका अच्छा होता है, जो अच्छा करते हैं उनका बुरा क्यों होता है, इस तरीके के सवाल हैं। और आपका आई थिंक बचपन से ही आपकी लाइफ ऐसी रही है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन्होंने ही आपको तोड़ा, आपको चीट किया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ट्रॉमा में हैं आप। गाइज, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इनर वर्क करो, ठीक है, प्लीज़ आप लोग इनर वर्क करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ उससे मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हालांकि मैं ये देख नहीं रही थी, लेकिन पाइल वन में खुद ही आ गया था निकल कर ये कार्ड से, तो मैंने सोचा अब मैं उठा लेती हूँ, तो ये ले लिया मैंने, ये रख देती हूँ साइड से। देखते हैं क्या आया है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। मीटिंग, तो अगर आप मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मीटिंग होने वाली है आपकी किसी से। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। पार्टनर नहीं कह रही मैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है चाइल्ड लाइक, तो इनको लगता है कि आप चाइल्ड लाइक हो, यानी कि मासूम से हो, इनोसेंट से हो, क्यूट हो। ओके, एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर हो। एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, तो ये थोड़ा सा डरते हैं आपसे, ठीक है। एंड मैड, तो ये कह रहे हैं आप थोड़े से पागल हो। बेस्ट फ्रेंड, तो आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। एंड फाइटर, ये आपको फाइटर मानते हैं। हाँ, इतनी परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, उसके बाद भी आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो तो फाइटर ही हो। तो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं गाइज आपके लिए। इनिशियल्स हैं यहाँ पर जेड डब्ल्यू ई एच वी जे एफ टी ए एन एस वन, और यहाँ पर सन भी है। लाइफ पाथ नंबर जिनका वन होता है उनकी सन की एनर्जी होती है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है चेंज का, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको देखते हैं तो क्या ख्याल आता है आपको लेकर। लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पर है हाई प्रेस्टेज, तो हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो। इनको पता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, मन की बातें पढ़ लेते हैं, ये कहें ना कहें तो ये डरते बहुत होंगे। साधारण से दिखते हो, साधारण से रहते भी हो, लेकिन बहुत ज्ञानी हो, बहुत चीज़ों का पता है आपको, ये इनको लगता है। और जस्टिस लवर हैं आप एंड सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हैं और आपको बिजनेस करना काफ़ी अच्छे से आता है, कर भी सकते हैं, आइडियाज़ आपके पास काफ़ी सारे हैं, और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं आप। एंड हो सकता है प्रोवाइडर हों आप अपनी फैमिली के, तो वो चीज़ भी इनको पता है और अच्छी लगती है। आपको एनिमल्स बहुत पसंद हो सकते हैं।
एंड आप काफ़ी काइंड हैं सभी के लिए, ये चीज़ भी है यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स, तो फाइव ऑफ कप्स बताता है कि आप में थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, लो सेल्फ इस्टीम हो सकती है। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है और शायद इसी वजह से आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हैं, यानी कि इसी वजह से स्पिरिचुअल पाथ आपने चूज़ किया, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसने एक तरीके से इस तरफ आपको धकेला है। आपको पता नहीं था, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी वजह से ही आज आप एक हीलर बने हो या रीडर बने हो। अगर हीलर या रीडर नहीं भी हो तो नेचर आपका ऐसा है, ठीक है। एंड मामले सुलझाते हैं आप, जैसे घर में झगड़ा हो गया, फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया, तो उनको सुलझाते हैं आप। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड बताता है काफ़ी तेज़ दिमाग हैं आप, और आप आपको ना लोगों को जवाब देना बड़े अच्छे से आता है। कोई भी अगर आपसे गलत बात करेगा तो आप छोड़ोगे नहीं। तुरंत जवाब देते हो और ऐसा देते हो कि सामने वाला हिल जाता है, वैसे चुप रहते हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि काफ़ी फायरी एनर्जी है आपकी, एंड गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, और जितनी तेज़ी से आता है उतनी ही तेज़ी से चला भी जाता है। आपको पता है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है पहले आप ऐसे ही थे कि गुस्सा आता था, फाइट करते थे, लेकिन धीरे 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 करके आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है, और काफ़ी पावरफुल बन गए हैं, अट्रैक्टिव बन गए हैं, लोग आपको देख कर ना अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड क्या कहते हैं, वश में हो जाते हैं। ओके, फॉर वॉन्स, तो हो सकता है आप, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आप मैरिड हों और शादी होने के बाद में ये चेंजेस आए हों आप में, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की शादियों को बचाते हैं, रिलेशनशिप को बचाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से दूसरों की हेल्प हो और उनके रिश्ते बच जाएं, घर बच जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से। आई थिंक आप खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या तो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, और मुझे ऐसे लगता है कि इनको पता है कि आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं, और हो सकता है इनको भी हीलिंग का बोलते रहते हो, तो वो चीज़ इनको पता है, अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर सीधा टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है कि आप प्रोवाइडर हैं, आप फैमिली चलाते हैं अपनी, उनकी देखभाल करते हैं, आप चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके खुद की फैमिली हो, मतलब बच्चे वगैरह अगर आपके हैं तो ओके, या फिर हो सकता है आपका ऑर्फेनेज हो। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लगता है आपके दो छोटू से किड्डू बिड्डू होंगे और जिनकी आप देखरेख करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से आप किसी के साथ में लिव इन में रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो और जिसके साथ में आपकी शादी हुई वो आपका कार्मिक था, और अभी आप अपने ट्विन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो और काफ़ी मेहनत कर रहे हो उसके लिए, एंड यही आपके जो पार्टनर हैं उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, तो इनको ये सब कुछ पता है, हो सकता है आपने बताया हो तभी तो पता है। पेज ऑफ कप्स, तो आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं और अपनी फीलिंग्स बताने में कभी पीछे नहीं रहते, बट शर्मीले हैं ये जानते हैं। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो इनको पता है कि आपको सुकून चाहिए ज़िंदगी में, आपको शांति पसंद है, आपको फाइट वाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड शायद आप अपनी माँ की बहुत केयर करते हो, माँ का ख्याल रखते हो, या फिर आप सभी का ख्याल रखते हो जो काफ़ी ज़्यादा, जो आपकी माँ की उम्र के हैं, ठीक है, ऐसे मैं कहूँगी, जो आपकी माँ की उम्र के हैं उनका ख्याल बहुत रखते हो, केयर करते हो, और सभी के लिए मन में दया है आपके। नाइन ऑफ कप्स, तो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपके और आप उनको पूरा करना चाहते हो, और उनमें से एक है इनके साथ में शादी करना, ठीक है, आप नाइन से टेन ऑफ कप्स बनाना चाहते हो। एंड आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया एंड किसी की हेल्प नहीं ली, अकेले ही किया जो किया। यस, द एम्परर, सो कहीं ना कहीं बार बार ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो, और ये जो आपके पार्टनर हैं ये जानते हैं और इसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं,
और हो ना हो ये काम आपका कुछ हीलिंग से ही जुड़ा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो भी डिवोर्सी हों, एंड उनका भी कुछ कुछ ठीक नहीं रहा, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बात अगर सही किया जाती है तो आप फिर बोलते हो और ऐसा बोलते हो कि बस कार्ड करी फेंक दो। ओके, अच्छी बात है, ऑनेस्ट होना चाहिए, सीधी बात करना आना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताता है कि भाई एक्सपीरियंस काफ़ी बुरे रहे हैं आपके जीवन के, और ऐसा ही होता है, दर्दनाक रहते हैं जिनके एक्सपीरियंस वही आते ही हैं स्पिरिचुअल पाथ पर, अदरवाइज तो कौन आना चाहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, तो जोड़ा बन गया। तो हाँ, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, एंड आई थिंक आप वेट कर रहे हो आपके ये जो पार्टनर है उनका आने का। आपको पता है कि आएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा समटाइम्स आपको बुरा लगता है कि कितना और टाइम, कितना और टाइम, बट आप जानते हैं कि ये आएंगे और इनको भी पता है कि ये आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आई थिंक ये खुद किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर ये मैरिड हैं तो, अगर इनकी अगर मैरिड नहीं है तो इनकी एक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आपकी जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपकी माँ के उम्र के लोग हैं उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं आप, लेकिन यहाँ पर किसी की तो माँ से नहीं बनती, या तो आपकी नहीं बनती या फिर आपके पार्टनर की नहीं बनती है, कुछ है मदर इश्यूज यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताइए आप लोग, मैं तो यहाँ पर सिर्फ कार्ड्स देकर बोल रही हूँ, जर्नल रीडिंग है ना गाइस, तो हो जाता है ऐसा। तो एक कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी, और सुंदर बहुत लगते हो आप, इनको अट्रैक्टिव लगते हो मैं बता दूँ, और इनको लगता है कि आप बच्चों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हो, कॉम्पिटिशन की बात अगर हो तो हमेशा आप जीतते हो, इतने तो इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, कितना भी कोई दर्द दे लेकिन आप हार नहीं मानते, ये चीज़ भी मैंने देखी है यहाँ पर। एंड हमेशा आपको हल्के फुल्के तरीके से रहना पसंद है, लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा सा सच संवर गए तो फिर बस लोग देखते रह जाते हैं आपको। आप लोग काफ़ी अलग अलग भी हो एक दूसरे से, बट फिर भी एक एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन है, ये देख पा रही हूँ। एम्परर की एनर्जी फिर से है, तो और ये देखो यहाँ पर द लवर्स, आज जो रीडिंग्स आई हैं मुझे लग रहा है सब ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाले ही हैं। ओके, सो एम्परर का कार्ड है, दो बारी आ गया है, तो कहीं ना कहीं मैं वही कहूँगी कि आप जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ पर इमोशनल होते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं, और ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आप में पसंद है और पसंद करने के लायक भी है। लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपने, झेला है, लेकिन कभी हार नहीं मानी, मजबूत आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आप में, और फाइनेंशियली भी ये देखते हैं कि काफ़ी अबंडेंट हैं आप, और अगर नहीं है तो हो जाएंगे इनको लगता है। सो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड मैं उठा लेती हूँ, चलो ये उठा लिया, आ जाओ बेटे, दो आ रहे हैं, ठीक है चलो दो उठा लेती हूँ मैं। ओके, तो पहला है यहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन, तो अगर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आने वाला है, एंड रीयूनियन। ओके, सो रीयूनियन होने वाला है, ये किसी भी पाइल में नहीं आया है, पहले इसी में आया है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोचते हैं आपको लेकर, लेट्स सी। सो फाइटर, जो कि मैंने कहा ही, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, ये डरते हैं आपसे, एंड मेंटर, तो आप मेंटर हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा ही, हीलर हो सकते हैं, यू आर सो ब्यूटिफुल, आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, हॉट, ओके, एंड अबंडेंट, ये भी मैंने बोला था आपको, ड्रीम, तो आप इनका एक सपना हो, आपके कई सारे सपने हैं, एंड मदर लाइक, ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया ही था, एंड पीपल प्लीजिंग, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत खुश रखना पसंद करते हो। हीलर, ये हीलर है, और यहाँ पर ये हो गया है, तो इसको आप हीटर ना समझे, वैसे हॉट आया भी था। तो अब इनिशियल्स देख लेते हैं, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है डब्ल्यू, 0XUNFK1JR एंड
बी ये इनिशियल्स हैं गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।